दोस्तों आज की कहानी है बहु डिलीवरी में ऐसा होता है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। ओफो ये मम्मी जी भी ना ये और इनका ज्ञान अपने पास ही क्यों नहीं रखती। पल्लवी तुम्हारा एटीट्यूड बहुत गलत है। आखिर कितने सालों तक ज्वाइंट फैमिली में रही है, वो हम दोनों भाई बहन को पाला है। बहुत अनुभव है उन्हें होगा, लेकिन अब जमाना बदल गया है। परक खैर छोड़िए, आपसे कुछ कहना ही बेकार है। हाँ, और तुमसे भी कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। मैं जा रहा हूँ दूसरे रूम में अपना काम करने। पल्लवी प्रेग्नेंट हुई तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पल्लवी और परख दोनों ही जॉब करते थे, तो परख ने अपनी मम्मी को बुला लिया था कि पल्लवी को घर के कामों में कुछ मदद मिल जाया करेगी। डिलीवरी के लिए पल्लवी अपने मायके जाने वाली थी, लेकिन तभी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से सारे देश में टोटल लॉकडाउन लग गया। जो जहाँ था वहीं फंस कर रह गया। पल्लवी का भी डिलीवरी के लिए मायके जाना कैंसिल हो गया। आखिर पल्लवी की डिलीवरी यहीं पर हुई। उसने एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल थी तो जल्दी ही पल्लवी बेटे को लेकर घर आ गई थी। ओ परक सुनो ना, मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है। रात के करीबन 2 बज रहे थे जब पल्लवी ने परक को हिलाकर जगाया। अरे क्यों हो रहा है दर्द, रुको मैं मम्मी को बुलाता हूँ। अरे कुछ नहीं, गैस हो गई है मुझे लगता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, परेशान मत हो। पल्लवी लो ये अजवाइन के साथ काला नमक फाक लो और पानी पी लो, अभी थोड़ी देर में आराम लग जाएगा। ओह नहीं मम्मी जी, मैं नहीं खा सकती, ये मुझे उल्टी हो जाएगी। काफी समझाने के बाद भी पल्लवी ने मम्मी जी का घरेलू नुस्खा मानने से इनकार कर दिया। अपनी जिद पर अड़ी रही और सारी रात दर्द के मारे करवट बदलती रही। रहने दीजिए, ये आपकी उलझन सीजे, मैं कल सुबह डॉक्टर से सलाह लूंगी। पल्लवी ने ऐसा कहा तो परक और मम्मी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और चुपचाप सो गए। अगले दिन सुबह पल्लवी ने अपने डॉक्टर से फोन पर बात की। अरे पल्लवी गैस हो गई होगी, आपके घर में अजवाइन तो होगी, वह एक छोटी चम्मच लीजिए, आराम लग जाएगा। और अगर नहीं लगता है आराम तो शाम को कॉल कीजिए, मैं कुछ टेबलेट बता दूंगी। वैसे भी बच्चे को फीड कराती हैं और ये कोरोना इंफेक्शन फैला हुआ है तो मैं बहुत सीरियस होने पर ही पेशेंट को देखती हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने, मम्मी ने पूछा, वो भी अजवाइन लेने को कह रही है। पल्लवी ने मुंह लटका कर जवाब दिया, हाँ बेटा ये लो, मैं तो कल रात को ही बोल रही थी। लेकिन तुम सलो, कोई बात नहीं, मम्मी सने से बोली, अजवाइन काला नमक खाने में। पल्लवी ने नाक बहुत खूब सिकोड़ी, नखरे भी दिखाए, लेकिन कुछ देर बाद उसे आराम मिल गया। क्या बात है पल्लवी, ये आरव इतना क्यों रो रहा है, पता नहीं परक क्या हुआ है, इसे फीड भी नहीं कर रहा है ठीक से। पल्लवी परेशान होते हुए बोली, रुको मैं मम्मी को बुलाता हूँ। अरे रहने दो परक, उन्हें परेशान मत करो, इतनी जल्दी सुबह से उठकर काम करती है, अभी दोपहर में थक कर सो रही है, उन्हें आराम करने दो, मैं कोशिश करती हूँ इसे सुलाने की। पल्लवी ने ऊपर से बात बनाते हुए कहा, और हाँ अभी आ जाएगी और अभी आकर फिर अपने घरेलू नुस्खों का ज्ञान देने लगेगी। मैं डॉक्टर से बात करूंगी अपने बच्चे के बारे में, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, पल्लवी ने मन ही मन सिड़ते हुए कहा। अरे क्या हुआ परक बेटा, आरव क्यों रो रहा है इतना, मम्मी आवाज लगा कर पूछते हुए पल्लवी के कमरे तक आ गई। पता नहीं मम्मी, ना जाने क्या हुआ है, कब से रोया जा रहा है, परक ने कहा। पल्लवी इसने दूध पिया, आरव को अपनी गोद में लेते हुए मम्मी बोली, नहीं मम्मी ये फीड नहीं कर रहा है, बस लगातार रोए जा रहा है। सबसे पहले तो तुम लोग ये एसी का टेम्परेचर कम करो, बिल्कुल अक्ल नहीं है तुम दोनों को, इतना छोटा बच्चा साथ में सोता है, कुछ नहीं हुआ है इसे।
बस सर्दी लग रही है और कप के कारण दूध भी ठीक से नहीं पी पा रहा है। मैं भी हींग का लेप लगाती हूँ और सेक करती हूँ, परख तब तक तुम वो बाप वाली मशीन क्या कहते हैं, हाँ उसे नेबुलाइजर वो निकालो। अरे मम्मी जी रहने दीजिए, आप बेवजह परेशान मत होइए। रुकिए मैं अभी कॉल करके डॉक्टर से पूछती हूँ कि क्या करना सही है। कहते हुए पल्लवी ने झट से बच्चों के डॉक्टर को फोन लगा दिया। डॉक्टर साहब व्यस्त थे, दो तीन बार ट्राई करने के बाद भी उन्होंने फोन उठाया। तब तक यहाँ आरव का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पल्लवी जी, आपके घर पर नेबुलाइजर होगा ना, तो बच्चे को स्टीम दीजिए और सेक कीजिए। मुझे लग रहा है बच्चे को कॉमन कोल्ड है। बस देखिए यहाँ शिशुओं के लिहाज से काफी नाजुक समय चल रहा है। जहाँ तक हो सके घरेलू उपाय और देसी नुस्खों पर भरोसा कीजिए। इतने छोटे शिशु को बाहर लेकर निकलना खतरे से खाली नहीं है। पल्लवी ने डॉक्टर को आरव के सारे लक्षण बताए तो उन्होंने यही सब कुछ कहा। पल्लवी ने डॉक्टर को फोन लगाया तो परख ने फोन स्पीकर मोड पर रखने को कहा ताकि सब सुन सके कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। पल्लवी अपनी जेब मिटाने के लिए फौरन वहां से नेबुलाइजर लाने के बहाने चली गई। यहाँ मम्मी और परख मुस्कुराते हुए खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं गलत थी, मुझे आपके घरेलू नुस्खों से ना जाने क्यों सिड़ होती थी, लेकिन देख रही हूँ कि इस कोरोना काल में वही काम आ रहे हैं। कोई बात नहीं पल्लवी, ये तुम लोग नए जमाने के बच्चे हैं, हम बड़ों को ऐसे ही हल्के में लेते हो। पता नहीं तुम लोगों का इतना पढ़ना लिखने के बाद भी भूल जाते हो वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाँ ओल्ड इन गोल्ड। मम्मी जी हंसते हुए बोली, अब नहीं भूलूंगी मम्मी, पक्का प्रॉमिस। पल्लवी कान पकड़ते हुए बोली तो परक और मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों ऐसा कई बार होता है, जो हमारे बुजुर्ग बड़े हमको घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं तो हम उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों तो उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना सही, ट्राई करके भी देखना सही है। दोस्तों तो कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ों की कोई भी बात को नहीं टालना सही, उनकी बात का मान रखना सही है, वरना उन्हें भी बुरा लगता है। दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले